गुनाह का ना कोई वक्त मुकर्रर होता है और ना ही गुनाहगार का कोई मुकम्मल चेहरा होता है। ना मालूम कब कौन दबे पांव आकर आपकी जिंदगी तबाह कर दे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रूबी विराठी, लेकर क्राइम रिपोर्ट। बाप और बेटे के खूनी रिश्ते की वो कहानी जो आपको हैरत में डाल देगी। किसी ने बताया कि विवाद 25 गज की जमीन को लेकर था, लेकिन मां का कहना है कि घर का बड़ा बेटा शराब के नशे में घर आता है और कमाई का एक भी रुपया घर में नहीं देता था। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन गाजियाबाद के पूजा कॉलोनी में एक कत्ल हुआ है और कातिल वारदात के बाद से फरार है। ये कहानी है 50 गज के मकान में रहने वाले अब्दुल रहीम और उसके परिवार की। अब्दुल रहीम की एक बेटी और 3 बेटे हैं। अब्दुल रहीम ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी। इस दौरान उसके ऊपर कुछ कर्ज हो गया था, जिसे चुकाने के लिए अब्दुल रहीम ने 50 गज मकान में से 25 गज मकान बेच दिया था। इसे लेकर अब्दुल रहीम का 21 साल का बड़ा बेटा अशफाक काफी नाराज था। बताया जा रहा है कि अशफाक रोजाना शराब के नशे में आता था और अपने पिता अब्दुल रहीम से बाकी के 25 गज जमीन को अपने नाम कराना चाहता था। इस बात को लेकर घर में काफी विवाद पनप रहा था। इस खौफनाक कहानी का बीज तो कई दिन पहले ही पड़ चुका था, मगर बीते 2 दिन से घर में मचा विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि परिवार के एक शख्स की मौत के रूप में सामने आया। अशफाक और अब्दुल रहीम के बीच मारपीट हुई। अब अशफाक मकान के ऊपर छत पर सो गया था, वो गहरी नींद में था। फिर ना मालूम क्या हुआ, अब्दुल रहीम ने लोहे की छड़ उठाई और अशफाक के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर डाले, जिससे अशफाक की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद अब्दुल रहीम मौके से फरार हो गया। क्या हुआ था बताओ, प्लॉट वगैरह बेचा था कोई? प्लॉट पिछले साल मैंने बेची थी, कर्जा हो गया था मुझ पर। अच्छा, तो उस प्लॉट को लेके घर में झगड़ा बगड़ा होता था? नहीं नहीं, नशा उजा करता था, आगे मारपीट करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, ढंग से नहीं रहता था, तनख्वाह पूरी पूरी नहीं देता था मुझे, घर में यूं राड़ होती थी। परसों बहुत राड़ हुई है, बहुत ज्यादा मारपीट है। किसके साथ मारपीट हुई? बाप को इसने मारा, पटक है, हमें भी चप्पल उठाया, पूरे मोहल्ले इकट्ठा हो गए थे। गाली बुत्तर को पका परसों। तड़के करीब 4 बजे अशफाक की मां ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया, जिसके आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अशफाक के शव को लहूलुहान हालत में बरामद किया। पुलिस ने अशफाक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पूजा कॉलोनी में अशफाक जिनकी उम्र 21 वर्ष के करीब थी, छत पर लाश वहाँ पर मिली और उसके सिर से खून टपक रहे थे। इसकी सूचना उनकी माँ द्वारा थाना पुलिसा सिटी को दी गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, तो बेचना की जा रही है और अनावरण के लिए टीमें लगा दी गई। बहरहाल एक पिता के जरिए अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार देने के बाद से पूरे इलाके के लोग सकते में। हर किसी के जुबान पर बस एक ही बात निकल कर आ रही है कि आखिर जिस बाप ने 21 साल तक अपने बेटे को लाड प्यार से पाला, आखिर उसी बाप ने अपने बेटे को सरिये से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। गाजियाबाद से जावेद चौधरी के साथ टीम क्राइम रिपोर्ट।
का इकबाल हाशिए पर है और बदमाशों का आतंक चरम पर। यूपी की एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस इन दिनों यूं तो हर जिले कस्बे में मिल जाएगी, लेकिन साथ ही बदमाशों की गोली का शिकार होते लोग भी इन्हीं जिलों और कस्बों के हैं। राजधानी पुलिस को ठेंगा दिखाते बदमाश अपराधी कब बाज आएंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है और इतना जान लीजिए, समझ लीजिए कि गुडम्बा और चिन्हट में मौत का तांडव हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट को और रहिए अलर्ट। राजधानी में जहां एक तरफ आला अधिकारी क्राइम कंट्रोल करने के लिए रात रात मीटिंग ले रहे हैं, वहीं आरोपियों द्वारा पुलिस को ललकारा जा रहा है। बीती देर रात पुलिस लाइन में आईजी रेन सुजीत पांडे को अपराध पर कंट्रोल को लेकर बात कहे हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सुबह गुडम्बा थाना इलाके में एक युवक का शव बरामद हुआ। वहीं बीती देर शाम चिन्हट थाना इलाके में पूर्व प्रधान ने वर्चस्व की जंग में अपने साथियों संग मिलकर दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिससे 3 लोग घायल हो गए। एक महिला केवटकी देवी की लोहिया में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। चिन्हट थाना इलाके के हासेमऊ में पूर्व प्रधान और केवटकी के बीच हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि पूर्व प्रधान ने फायर झोंकना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। वहीं एक बुजुर्ग महिला केवटकी देवी की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। साथ ही केवटकी के परिजनों ने पुलिस को 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस इन 4 को हिरासत में लेकर आगे की जांच में जुटी है। एसपी उत्तरी अनुराग वत्स का कहना है कि दो पक्षों में पारिवारिक विवाद हुआ, जिसके बाद गोली चली। इस गोलीबारी में कई लोग घायल भी हैं, साथ ही एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। मृतक पक्ष की मिली तहरीर पर 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई के साथ ही मामले की जांच की जा रही है। दो परिवारों के बीच में किसी बात को लेकर परिवार की दो महिलाओं फायरिंग हुई, जिसमें कि दो महिलाओं को गोली लगी है, जिसमें कि एक महिला की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसमें जो 4 लोग अभी तक पुलिस ने अरेस्ट कर लिए गए हैं, बाकी जो बचे हैं उनके खिलाफ अरेस्टिंग का प्रयास किया जा रहा है। जल्दी ही सभी लोग उसमें अरेस्ट हो जाएंगे। अभी तक तत्काल 4 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और जो घायल लोग हैं उनका उपचार दामन लोहिया किया जा रहा है। लखनऊ से जुहैब आलम खान के साथ टी क्राइम रिपोर्ट। एक लड़की कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। किसी खौफनाक वारदात से बेखबर थी लड़की। इतने में उसे अचानक गायब कर दिया जाता है और फिर जंगल में ले जाकर जो कुछ भी हुआ वो तस्दीक करता है हैवानियत की। किसी ने कभी कहा था कि कहो कि लब आजाद है, पर आज कहना पड़ रहा है कि चीखो कि हम खामोश हैं। मुरादाबाद में बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा देने पहुंची थी एक छात्रा। इसी दौरान दो युवक छात्रा का अपहरण करके ले गए और फिर जो हुआ उसने हैवानियत के तमाम इबारतों में एक और अनचाही इबारत लिख डाली।
जियाउल हक नाम के आरोपी ने अपने साथी संग मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया। तारीख बताने के लिए आई है अपने पुलिस के पास में, दो लड़के मुझे वहाँ से फांसी ले गए जंगलों में, मेरे पास जबरदस्ती थी। अब आप थाने आए हैं, किस तरह का इंसाफ आपको चाहिए? उन्हें सजा होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, कल वो बीए की परीक्षा देने के लिए आई थी सेकेंड ईयर की, और दो लड़के थे मेरे पास के गांव के, और वो उसको जबरदस्त उठा के ले गए पेपर से पहले, और जब मेरी दूसरे किसी ने सिस्टर ने फ़ोन करके मुझे बुलाया तो मैं पहुँचा वहाँ, तो मैंने देखा तो वो ऐसी रोड पर घूम गई थी 3:30 बजे के करीब। यहाँ आप थाने आए, क्या आश्वासन मिला है पुलिस द्वारा? सर कुछ भी नहीं, कल एफ आई आर करी थी और अभी तक 24 घंटे भी होने वाले हैं, मेडिकल ही नहीं हो रहा है कि मुलजिम को सज़ा मिले और सख्त से सख्त कार्रवाई हो उसके साथ, ताकि आज से कभी किसी लड़के के साथ ना करें। यही है मुरादाबाद की पूरी कहानी। मन भारी होगा, वाजिब है, लेकिन हम इसी दुनिया में रहते हैं, नाश करते हैं अपनी सभ्यता पर। हम कहते नहीं थकते कि दुनिया को तहजीब का शऊर हमने सिखाया है, और अब हम कहां पहुंच गए, इंसाफ हो भी जाए तो क्या है। कल शाम को थाना ठाकुर द्वारा पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि एक जनपद बिजनौर के एक लड़की ने शिकायत की। इस शिकायत पर हम लोगों ने आईपीसी धारा 376 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया, विवेचना भी प्रचलित है। जो पीड़िता है उनके मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है और नामजद FIR हुआ है, और तत्काल गिरफ्तार करने के लिए मैंने सभी संबंधित को आदेश दिया। इस कहानी को अंजाम देने वालों के अंदर जो आदमी मरा है उसकी सजा क्या होगी? काश ताजिरात हिंद के दफाओं में मरी हुई इंसानियत का भी कोई मरहम होता, कोई ऐसा जर्रा होता जो पीस कर बांध देता, कोई ऐसी बूटी जो हमारे बच्चों और बेटियों को बुरी नजरों से बचा लेती। आदम की औलादें इतनी बुरी तो ना थी कभी कि हमें शर्म आती खुद को आदमी कहने पर। हम दुआ करते हैं कि मुरादाबाद में जो हुआ 3 दिनों के अंदर, एटा में मासूम बच्चियों के साथ जो कुछ भी हुआ, वो हमारे और आपके परिवारों के साथ ना हो। लेकिन अगर सिर्फ दुआ काफी नहीं है तो फिर हमें और आपको सोचना ही पड़ेगा कि इसका इलाज क्या है। जितनी जल्दी हो सके हमें ये फैसला करना ही होगा कि हमारी बेचैनियों का इलाज हमें ही ढूंढना है। कोई सरकार, कोई नेता, कोई व्यवस्था हमारे हुकूक हमें नहीं दे सकती। इन सब से ऊपर उठकर मानवता की एकता में विश्वास करना होगा, यकीन करना होगा। मुरादाबाद से संजीव मणि त्रिपाठी और एटा से आरबी द्विवेदी के साथ टीम क्राइम रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने के बाद योगी सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन रोकने का दावा किया था, लेकिन खनन माफिया के आगे सरकार के इस दावे की हवा निकल चुकी है। हमीरपुर में खनन माफिया धड़ल्ले से अवैध खनन करने में जुटे हैं। यहां की बेतवा नदी में इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है कि जिले की बेतवा नदी के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इससे पहले भी खनन माफियाओं ने नदियों का सीना छलनी किया है। अवैध खनन पर CBI जांच भी की जा रही है, लेकिन खनन माफियाओं को ना तो CBI का खौफ है न सरकार का।
ये खनन जिला प्रशासन के संरक्षण में किया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। यह नजारा है यूपी के हमीरपुर का, जहां खनन माफिया बेतवा नदी पर अवैध खनन का गोरख धंधा कर रहे हैं। माफिया ने पट्टे की आड़ में बेतवा नदी के स्वरूप को ही बदल दिया है। हमीरपुर की बेतवा नदी में भोपाल की कंपनी इंडस माइंस एंड मिनरल को 30 एकड़ का पट्टा दिया गया है, लेकिन आलम यह है कि कंपनी 30 एकड़ के बजाय 300 एकड़ में खनन कर रही है, जो कि अवैध खनन में आता है। सरकार ने इस कंपनी को एक खंड का पट्टा सौंपा है, लेकिन यह कंपनी जिले के आला अधिकारियों और खनिज अधिकारी से साठ गांठ कर चार जगहों पर बालू का खनन कर रही है। रमेड़ी डांडा, पारा, सिडरा और सेंटर खदान, आप इन तस्वीरों को देखकर कंपनी के रसूख का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां जहां नजर घुमाएंगे, ट्रकों की लंबी लंबी कतारें और कतारों में मौजूद ट्रक अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। खनन का ठेका पट्टा नदी के एक तरफ दिया गया है, लेकिन यह कंपनी नदी के दोनों तरफ खनन करने में मशगूल है। यहाँ तक कि प्रकृति की सड़क कही जाने वाली नदी की जलधारा तक को मोड़ दिया गया है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बालू माफिया खनन पट्टे की आड़ में अवैध खनन के काले कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। इस खनन के खेल में मोटी कमाई के चलते बालू माफिया योगी सरकार की नई खनन नीति का जमकर माखौल उड़ा रहे हैं, और जिला प्रशासन अवैध खनन पर लगाम लगाने के बजाय खनन माफियाओं को संरक्षण देने में लगा हुआ है। जी हां, संरक्षण। हमीरपुर जिला प्रशासन के शह पर खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं, और यही वजह है कि खनन माफिया जिला मुख्यालय और जिले के आला अधिकारियों के नाक के नीचे खनन कर रहे हैं। बेतवा नदी जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और यह अवैध खनन का खेल बेतवा नदी के पुल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। अवैध खनन रोकने के लिए गृह विभाग ने जिले के सभी एसपी को गाइडलाइन जारी की है, और साफ कहा गया है कि अवैध खनन होने पर एसपी सीधे जिम्मेदार होंगे, लेकिन हमीरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक गृह विभाग के इस गाइडलाइन से कोई सरोकार नहीं रखते। हमारे संवाददाता ने जब पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार से फोन पर बात की, तो उन्होंने अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी महोदय की बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? राजेश सोनी बोल रहा हूँ सर, लाइक टुडे लखनऊ से। जी बोलिए। सर मैं अभी यहाँ से निकल रहा था बेतवा पुल से। जी। ये ब्रिज के बगल में ही खनन चल रहा है, मशीनें चल रही हैं। जरा डीएम साहब का नंबर मैं आपको दे दूंगा, वो विभाग तो डीएम साहब के अंदर है, उनसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं नहीं, मैंने डीएम साहब को लगाया, लेकिन उनका फोन पिक नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आपको जानकारी दे दूं। और तो बीमारी होंगे तो इंजीनियर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर के पास जाएंगे यार, जिनका मतलब है उनसे पूछिए, हमसे क्या मतलब है? नहीं नहीं, मैंने सोचा आपको बता दूं, और मैं यहां से निकल रहा हूं। मालूम है,
अच्छा हमें मालूम है वहाँ पट्टा हो गया, लाइसेंसी है, ई टेंडरिंग से हुआ है, उनसे पूछ लीजिएगा ठीक है। अच्छा मतलब पट्टा है लेकिन पोकलैंड भी चलने का कोई ऐसा कुछ? अब यार उनका शर्त जो है जब जो ई टेंडरिंग कराता है वो लगाता है पुलिस विभाग। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो सुना आपने, पुलिस अधीक्षक महोदय कह रहे हैं कि जिला अधिकारी से जुड़ा मामला है, उन्हीं से बात करिए। यहाँ तक कि जिला अधिकारी महोदय का नंबर तक देने को तैयार है। साफ है कि जिले के पुलिस प्रशासन को अवैध खनन रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब ये दिलचस्पी क्यों नहीं है ये समझा जा सकता है। जिले में अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी लिए बैठे खनिज अधिकारी को भी शायद इससे कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने भारी भरकम मशीनों पर रोक लगा रखी है, लेकिन जनाब कैमरे पर ही मशीनों के इस्तेमाल की बात को स्वीकार करते हुए इसके इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं। सुनिए, अभी तक कुल 21 लोगों को LOI इशू हुआ है, जिसमें से एक कार्यरत हो गए हैं। मशीन की जहां तक बात है तो इनको जो EC मिली है उसमें हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, लाइट अर्थ मूविंग मशीन ये परमिटेड है माइनिंग के लिए। नियमावली में प्रतिबंध नहीं है ऐसा कुछ। हेलो हेलो, राजेश सोनी बोल रहा हूँ लाइव टुडे चैनल लखनऊ से। मेरी किराए साहब से बात हो रही है, खनिज अधिकारी हमीरपुर? जी जी जी। अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि हमीरपुर में किस नाम से खनन का पट्टा हुआ है? इस समय फील्ड में है, पट्टे तो बहुत सारे हुए हैं इस समय फील्ड में है। नहीं, जो करंट में जो हमीरपुर में बेतवा नदी के पास चल रहा है वो ब्रिज के पास में, वो किस नाम का पट्टा है? चिंता तो इसके नाम। अच्छा, और दूसरा ये कि क्या मशीने पोकलैंड मशीने ये सब वहाँ पर अलाउ हैं क्या? नीट में बिल्कुल अलाउ है। अच्छा मतलब खनन कर सकती हैं पोकलैंड मशीन वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खनन सब कर सकती हैं। अच्छा अच्छा, और दूसरा मैं ये जानना चाहता था कि ये जो पट्टा है क्या चार पॉइंटों में हुआ है या एक ही पॉइंट में एक जगह का? एक एक एरिया दिया गया, उसमें जो चार पॉइंट बना लेंगे तो पांच पॉइंट उस एरिया के अंदर। उस एरिया के अंदर? अच्छा अच्छा, कितने एकड़ का है? 30 एकड़ का। 30 एकड़ का, चलिए ठीक है ठीक, बस यही जानना। जब सैयां है कोतवाल तो अब डर काहे का, शायद यही वजह है कि बालू माफिया हमीरपुर की बेतवा नदी का सीना छलनी करने में भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं और दर्जनों पोकलैंड मशीनों का इस्तेमाल कर नदी का स्वरूप ही बदल दे रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार के उन दावों का क्या जो अवैध खनन रोकने के लिए किए गए थे? कैमरा पर्सन अनुराग के साथ राजेश सोनी, लाइव टुडे लखनऊ। क्राइम रिपोर्ट में आज इतना ही, तब तक आप रहिए खबरदार, दीजिए इजाजत, नमस्कार।